सो हे गाइस, दिस इज दिव्यांश गेमर एंड स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, यार आज वाली वीडियो होने वाली है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 10 लीक्स के ऊपर। तो यार आज वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया सीजन 10 के लीक्स बताने वाला हूँ। लाइक नेक्स्ट लेजेंडरी करेक्टर कौन सा होने वाला है, न्यू मिथिक गन की स्किन कौन सी होने वाली है और भी बहुत सारे लीक्स। इसलिए यार वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बंदा चैनल पर नया आया है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दो भाई। बहुत क्लोज है, हमें 100 सब्सक्राइबर करने हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलो जल्दी से हमारे लीक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यार हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे मैप लीक से। तो यार जो टेस्ट सर्वर है उसके जो मेन बैकग्राउंड लॉबी है उसके अंदर यार हम लोग इजीली देख सकते हैं वैकेंट मैप को, जो कि है मॉडर्न वॉरफेयर का। एंड यार इस पे तुम लोगों से काफ़ी सारे लोगों ने खेला भी होगा। एंड ये रहा इसका एक छोटा सा गेम प्ले, ताकि तुम लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसा मैप है। तो यार अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक ब्रांड न्यू स्कोर स्ट्रीक, जो कि यार सीजन 10 में ऐड होगी। एंड इसका नाम है ऑर्बिटल लेजर। अब यार सच्चे में काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है, इसे यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। जैसे तुम इसे यूज़ करोगे ये तुम्हें जो है मिनी मैप दिखा देगा अपनी स्क्रीन पर। एंड यार तुम्हें बस अपने फिंगर को वहाँ तक मूव करना है जहाँ तक तुम इसे पहुँचाना चाहते हो। एंड यार ये जो है वहाँ तक, मतलब एक ऊपर से बिजली कड़केगी एंड उसके अंदर जितने भी एनिमीज होंगे वो ईजिली मर जाएंगे एंड तुम्हें काफ़ी सारे फ्री किल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यार अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा एक ब्रांड न्यू ऑपरेटर स्किल, जो कि यार सीजन 10 में कंफर्म है कि आने वाली है। एंड यार इसका नाम है म्यूनिशंस बॉक्स। अब यार ये जो है शार्पनल का काम कर सकता है एंड वल्चर पैक का काम कर सकता है, क्योंकि यार अगर तुम लोगों ने इसे यूज़ करा है तो यार इससे क्या होगा कि तुम्हारे जितने भी ग्रेनेड खत्म हो गए वो वापस आ जाएंगे। तुम जो भी यूज़ करते हो ग्रेनेड, ट्रिप माइन और भी जो है स्टिकी ग्रेनेड, ये सब तुम यूज़ करते हो, तो वो जो है अगर तुम लोगों ने यूज़ कर दिया एंड खत्म हो गए तो इसे यूज़ करने के बाद वो भी वापस आ जाएंगे। एंड साथ ही तुम्हारी गन का जितना भी एमओ गया था वो सारा का सारा एमओ वापस आ जाएगा। एंड यार ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। तो यार इन्हें सबके साथ गेम में एक ब्रांड न्यू टैक्टिकल ग्रेनेड भी ऐड हो रहा है, जिसका कि नाम है डिकॉय ग्रेनेड। अब यार काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि यार इससे जो है तुम अपने एनिमीज को इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब यार तुम लोगों को बताओगा कि यार जब भी कोई एनिमी तुम्हारे आसपास एंड वो फायर करता है तो यार मिनी मैप पर तुम्हें रेड डॉट दिखता है, जिससे कि तुम्हें पता चलता है कि वो एनिमी है कहाँ। तो यार ये भी बिल्कुल गन की तरह ही फायर करता है। एंड यार जब ये तुम्हारे एनिमी के आसपास होगा तो यार एनिमी का जो मतलब मिनी मैप है उस पर भी एक रेड डॉट दिखेगा एंड एनिमी डिस्ट्रैक्ट होकर गलत जगह चले जाएगा एंड तुम लोग उसको होल्ड करके इजीली मार सकते हो। तो यार अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कुछ गन्स की, जो कि यार एक्सपेक्टेड है सीजन 10 में आने वाली है। तो यार सबसे पहले जो गन है वो तो वही 100% श्योर है कि यार ये सीजन 10 में आने वाली है। एंड यार ये है P90 SMG। अब यार ये जो SMG है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसका फायर रेट, एक्यूरेसी एंड डैमेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। एंड यार थोड़ी थोड़ी कॉर्डाइट से सिमिलर दिखती है मुझे, तुम्हें दिखती है कि नहीं कमेंट में जाकर ज़रूर बताना। एंड यार जो नेक्स्ट गन है जो कि यार सीजन 10 में आने वाली है वो है PKM LMG। एंड यार ये भी मॉडर्न वॉरफेयर से आ रही है। एंड यार ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया LMG है, इसकी जो आयरन साइट है वो RPD, चॉपर इन सब के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसका रीलोड टाइम है 8 सेकेंड मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर। तुम्हें इस गन के बारे में क्या लगता है कमेंट बताना। एंड यार थर्ड गन एक स्नाइपर है। एंड यार ये भी मॉडर्न वॉरफेयर से आ रही है एंड इसका नाम है ड्रैगन वूव। अब यार ड्रैगन वूव को तो कौन कौन नहीं जानता, मतलब कि यार इतनी ज़्यादा फेमस स्नाइपर है, सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी के PC गेम्स में नहीं यार, अब तो ये कॉल ऑफ ड्यूटी में भी आने वाली है। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज़ के अलावा ये काफ़ी सारे मल्टीप्लेयर एंड शूटिंग गेम्स में भी रह चुकी है। ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आ रही है एंड तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना, बिल्कुल मत भूलना। एंड यार जो फोर्थ एंड लास्ट वेपन है जो कि यार सीजन 10 में अपीयर होएगा वो है D13 सेक्टर। अब यार ये आ रहा है COD वॉर जोन से। एंड यार ये आएगा लॉन्चर वाले सेक्टर में, मतलब यार लॉन्चर वाले सेक्शन में। एंड यार ये जो है एक काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके का वेपन है, क्योंकि यार इसमें से फ्रीज भी थ्रो होती है। एंड यार ये जब एनिमी के लगती है तो यार एनिमी के अंदर घुस जाती है या फिर आर पार हो जाती है। एंड यार इसे चलाने में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तुम लोग इसके लिए एक्साइटेड हो कि नहीं मुझे फिर से कमेंट बताना, बिल्कुल मत भूलना। तो यार अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा सीजन 10 की सारी लेजेंडरी गन्स एंड मिथिक गन। अब यार ध्यान से सुनो, मैंने लेजेंडरी गन बोला है, यानी कि यार मैं तुम्हें वो गन्स बताने वाला हूँ जिनकी यार लेजेंडरी स्किन्स आने वाली है। एंड यार अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें उनकी जो है स्किन्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि यार वो अभी तक बनी ही नहीं है, उस पर अभी काम चल रहा है। एंड यार ये रही सारी की सारी लेजेंडरी एंड मिथिक गन स्किन्स। एंड यार इस वाले चार्ट से तुम लोगों को पता चल गया होगा कि यार कौन कौन सी गन की लेजेंडरी स्किन्स आने वाली है। एंड यार जो मिथिक स्किन है वो आएगी ब्रांड न्यू P90 पे, इसलिए यार मैंने P90 से पहले बोला था कि ये कंफर्म्ड है, क्योंकि यार नेक्स्ट सीजन इसकी जो है मिथिक स्किन आने वाली है।
तो यार अब मैं तुम लोग को बताऊंगा सीजन 11 में ऐड होने वाली लेजेंडरी करेक्टर स्किन के बारे में। अब यार तुम लोग सोच रहे हो कि भाई सीजन 11 क्यों, तो यार तुम लोग को पता होगा कि यार कॉल ऑफ ड्यूटी एक पैटर्न से चलता है, एक सीजन मिथिक गन स्किन एंड यार नेक्स्ट सीजन में लेजेंडरी करेक्टर स्किन। तो यार नेक्स्ट सीजन जो है जैसा कि मैंने तुमको बताया P90 की मिथिक स्किन आने वाली है, इसका मतलब क्या है सीजन 11 में हमें एक लेजेंडरी करेक्टर स्किन देखने को मिल जाएगी। एंड यार वो जो करेक्टर स्किन होने वाली है वो होगी आउटराइडर की, क्योंकि डेटा माइनर्स ने जो है एक अवतार निकाला था गेम के टेस्ट सर्वर की फाइल्स में। एंड यार इसमें तुम लोग इजीली देख सकते हो कि यार ये जो है एक लेजेंडरी अवतार है, एंड यार लेजेंडरी अवतार जो है लेजेंडरी करेक्टर स्किन्स के साथ ही आता है। एंड यार इसके अंदर जो है हम लोग इजीली देख सकते हैं आउटराइडर प्रोफेशनल को, जो कि है भाई कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3 से। एंड यार ये रहा इन दोनों का एक क्लोज लुक, एंड यार ये जो है दोनों के दोनों काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं, इसलिए यार ये फर्स्ट टाइम होने वाला है कि हमें एक गर्ल की लेजेंडरी स्किन देखने को मिलने वाली है। तो यार होप तुम लोगों को आज वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना गाइस, क्योंकि यार अब सिर्फ और सिर्फ 2 महीने से कम वक्त रह गया अपने चैनल को 1 ईयर कंप्लीट होने में। एंड यार मैं चाहता हूँ तुम लोग 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले जैसे तैसे भाई 100 सब्सक्राइबर करा दो। एंड यार ये जो सेम चीज़ है मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मतलब यार लास्ट 1 से 2 हफ्ते में मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड करी है ये सेम चीज़ मैंने हर वीडियो में कही, लेकिन भाई जो भी बंदा मतलब यार व्यूज़ तो आते हैं लेकिन यार कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता, इसलिए यार प्लीज़ प्लीज़ जो भी यार वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं एक और ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।